हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि स्टेयर्स के किस किस पार्ट को हम क्या क्या बोलते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स को नहीं पता कि किस पार्ट को हम क्या बोलते हैं, तो आज की वीडियो में वही सब बताने वाला हूँ, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो ये आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे स्टेयर है और यहाँ पे मैं आपको एक एक चीज को अच्छे से समझाऊंगा। तो सबसे पहले लिखा हुआ बालुस्टर। बालुस्टर होते हैं जो बीच के, ये जो रेलिंग होती है आपकी, ये जितनी भी आपकी पोस्ट होती है इसे हम बालुस्टर बोलते हैं। क्लियर है? जो फर्स्ट वाली पोस्ट होती है इसे हम न्यूल पोस्ट बोलते हैं। जो फर्स्ट वाला होता है उसे हम न्यूल बोलते हैं। और अगर ये पोस्ट आपकी ऊपर तक जाए और उस पर कैप बने कुछ इस तरीके से, अगर मैं आपको दिखाऊं जो ये वाली पोस्ट है, जैसे ऊपर की तरफ इस तरीके की कैप बनती है, तो इसे हम न्यूल कैप बोलते हैं। टॉप कैप आपकी जो होती है यहाँ पे। उसके बाद अगर हम मैं बात करूं जो ऊपर वाला ये वाला पार्ट होता है आपका, ये आपका होता है हैंड रेल। रेलिंग का ये पार्ट आपका हैंड रेल होता है। उसके बाद हम बात करेंगे ट्रेड की, जिस पोर्शन पे हम पैर रखते हैं, ये वाला पोर्शन, इस वाले पोर्शन को हम ट्रेड बोलते हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे हो ये वाला पोर्शन ट्रेड होता है। जो ये प्रोफाइल, आप प्रोफाइल देख पा रहे हो, जो पत्थर आपका बाहर की तरफ हल्का सा निकला हुआ है, अगर मैं आपको ध्यान से दिखाऊं यहाँ पे, इस पार्ट को हम बोलते हैं नोजिंग लेंथ, जितना पोर्शन आपका ये बाहर की तरफ पत्थर निकला हुआ होता है यहाँ पे। उसके बाद जो नीचे वाला पोर्शन होता है ये वाला, ये राइजर होता है जो सामने दिखता है, ये राइजर, ये ट्रेड, ये नोजिंग लेंथ आपका होता है। ये आपके बालुस्टर होते हैं। फर्स्ट बालुस्टर को हम न्यूल पोस्ट बोलते हैं। मिडल में आपके कॉर्नर में अगर आपके पोस्ट हो, इसे हम कॉर्नर पोस्ट बोलते हैं। जितने भी आपके कॉर्नर आएंगे, जहां से स्टेयर आपकी टर्न करेगी, वहीं पे आपके ये वाले आपके पोस्ट होती हैं, जो आपके कॉर्नर, ये वाली पोस्ट जो न्यूल पोस्ट होती है। उसके बाद जो ये साइड वाली स्पोर्ट होती है, इसे हम बोलते हैं स्ट्रिंगर। ये आपके स्ट्रिंगर्स होते हैं। ये आपके क्लोज स्ट्रिंगर है। अगर मेरे को ओपन स्ट्रिंगर बनाना है तो मैं इसको सिलेक्ट करके एडिट टाइप पे क्लिक करता हूँ और मान लो मैं इसे ओपन स्ट्रिंगर बना देता हूँ लेफ्ट वाले को, तो अभी आप देख पा रहे हो ये आपकी ओपन स्ट्रिंगर है। क्लियर है? आप ऐसे अगर चाहते हैं तो ये आपकी ओपन स्ट्रिंगर है। और अगर आप इसको नन कर देते हैं यहाँ पे, तो इस तरीके से अगर आप आएंगे तो यहाँ पे स्ट्रिंगर नहीं होगी, कोई स्पोर्ट नहीं होगी। क्लियर है? जो ये पार्ट निकला हुआ है इसे हम नोजिंग लेंथ बोलते हैं। नोजिंग लेंथ को जैसे हम राउंड कर सकते हैं, या फिर हमें सिंपल नोजिंग लेंथ रखनी है तो आप इसे सिंपल नोजिंग लेंथ भी यहाँ पे रख सकते हैं। डिफॉल्ट करके अप्लाई करेंगे तो आप देखेंगे सिंपल नोजिंग लेंथ आपके यहाँ पे आ जाएगी। तो ये पार्ट इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि किस पार्ट को हम क्या बोलते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट को नहीं पता अभी भी इन सब पार्ट के बारे में, तो मैं अभी अंडू करता हूँ यहाँ पे। उसके बाद ये पार्ट होता है रन का। अगर मैं इसको टॉप व्यू से देखता हूं, अगर मैं यहां से टॉप व्यू से देखता हूं, तो ये वाला पार्ट जो आपका होता है ये रन होता है, कि कहां से स्टेयर स्टार्ट हुई और कहां तक मेरी स्टेयर गई है, ये रन होता है। और अगर मैं किसी एलिवेशन से देखता हूं तो ये आपका होता है राइजर, जो यहां से नीचे तक ऊपर तक है, ये राइजर है, पूरा कंप्लीट राइज है, ये राइज होता है। अगर आप देखोगे जो हाइट होती है राइज है, और ये आपका है सामने वाला राइजर, और जिसपे हम पैर रखते हैं वो होता है हमारा ट्रेड। ओके, चलो अब थोड़ा नेक्स्ट इमेज पे जाते हैं। इसमें आप देख पा रहे हैं यहाँ पे है बेस रेल कैपिंग। जो ये बेस रेल की कैपिंग है, यहाँ पे जो रेलिंग है उसका बेस रेल की कैपिंग है। ये आपकी पोस्ट है। पोस्ट आपकी डिफरेंट डिफरेंट टाइप की हो सकती है। बलुस्टर्स है, हैंड रेल है आपके। अब जो हैंड रेल आपकी कंटिन्यूस गई हुई है ऊपर की तरफ, तो उसे कंटिन्यूस हैंड रेल बोलते हैं। उसके बाद जो पोस्ट होता है उसका टॉप है यहाँ पे कैपिंग, और यहाँ पे फर्स्ट फ्लोर के ये आपके बालुस्टर्स यहाँ पे लगाए गए हैं। नेक्स्ट इमेज पे निकलते हैं, तो आप यहाँ पे क्लियर हो जाएगी आपको इमेज कि ये हैंड रेल होता है, बालुस्टर, स्ट्रिंगर्स, ये देखो ओपन स्ट्रिंगर्स है, और जो साइड में लगे हुए हैं ये आपके क्लोज स्ट्रिंगर है। ये आप देख पा रहे हो ये आपके क्लोज स्ट्रिंगर है, ये आपका ओपन स्ट्रिंगर्स यहाँ पे लगे हुए हैं। ये ट्रेड होता है, ये राइजर होता है, ये न्यूल पोस्ट होती है। इसमें भी आप देख पा रहे हैं न्यूल पोस्ट, हैंड रेल, बालुस्टर, ये आपकी लैंडिंग होती है। जिस पार्ट पे आप, इस तरीके का पार्ट आ जाए जहां पे हम लैंड करके ऊपर नेक्स्ट डायरेक्शन पे निकलते हैं, उसे हम लैंडिंग बोलते हैं यहाँ पे। ओके, उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे कुछ ऑप्शंस यहाँ पे दिए हुए हैं कि जरूरी नहीं है। अब मान लो यहाँ पे जो फर्स्ट वाली पोस्ट है, न्यूल पोस्ट, ये इस तरीके से बनाई हुई है। अगर आप नहीं चाहते कि बीच कॉर्नर पे पोस्ट हो, अब यहाँ पे आप देख पा रहे हो जो जितने भी कॉर्नर है वहां पे पोस्ट चेंज कर दी गई है अकॉर्डिंग टू डिजाइन, और बीच के बालुस्टर अलग है। बट नेक्स्ट इमेज में अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पे पोस्ट भी सेम है, जितने भी पोस्ट लगी हुई है, और जो न्यूल पोस्ट है वो भी बिल्कुल सेम लगाई हुई है। सेम भी लगा सकते हो, या फिर नन करना है तो आप इसे हटा के एडिट टाइप पे जाके, ये तो रेविट की बात मैं कर रहा हूँ,
नॉर्मली मैं आपको सिर्फ पार्ट बता रहा हूँ क्या क्या होते हैं, मिडल वाले को मैं नन करता हूँ। तो आप देखेंगे अब आपकी कोई न्यूल पोस्ट यहाँ पे नहीं लगी है, कोई कॉर्नर पे आपकी पोस्ट नहीं लगी है, क्लियर है। नेक्स्ट आप देखेंगे ये आप इस तरीके की न्यूल पोस्ट आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये आपकी न्यूल पोस्ट है, कैपिंग है और सेम न्यूल पोस्ट यहाँ पे लगाई गई है, क्लियर है। ये आपका सेम इस तरीके से लगाया गया है। आप जितने भी चीजें देखेंगे हैंडरेल वगैरह को, तो ये इस तरीके से हम स्टेयर को डिजाइन करते हैं और ये स्टेयर के पार्ट के नाम होते हैं जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया। तो बहुत सारे स्टूडेंट को नहीं पता कि हम किस पार्ट को क्या बोलते हैं, तो आशा करता हूँ उनको ये पार्ट अब क्लियर हुए होंगे कैसे कैसे हम किस किस पार्ट को क्या क्या बोलते हैं। तो थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए, ऐसे ही बने रहे हमारे साथ और देखते रहे वीडियो। अपना ध्यान रखें, कोरोना से अपने आप को बचा के रखें, स्टे सेफ स्टे होम, थैंक यू सो मच।